सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो अच्छी तरह से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को समझेंगे और इसका टेस्ट भी लगाएंगे। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल में रेगुलर बने रहें। और साइंस का बायोलॉजी चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स छूटा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम होता है, तीन भागों में बटा होता है। जो पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो तीसरा होता है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो सभी को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का वह भाग जो संपूर्ण शरीर, जो पूरा शरीर का स्वयं तंत्रिका तंत्र का पर नियंत्रण रखता, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिए। और मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो मनुष्य का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जो होता है मस्तिष्क होता है, जिसको ब्रेन बोलते हैं। और जो दूसरा भाग होता है मेरु रज्जु होता है, जिसे स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो हम लोग समझेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो हम लोग समझेंगे मस्तिष्क होता क्या है। तो मस्तिष्क जो होता है ये भी तीन भागों में विभक्त होता है। ये होता है अग्र मस्तिष्क, और जो ए होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है, और जो ए होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम पढ़ेंगे और थैलमस पढ़ेंगे और हाइपोथैलमस पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क में जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उन्हीं सबको हम इंक्लूड किए हैं। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पढ़ेंगे। और पश्च मस्तिष्क में पढ़ेंगे सेरिबेलम पढ़ेंगे और मेडुला ऑब्लॉगेटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। तो अब हम लोग समझेंगे सेरिब्रम के कार्य क्या होता है, सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो जो सेरिब्रम होता है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। जो सेरिब्रम का जो कार्य होता है, सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तो देखिए, सेरिब्रम का जो कार्य होता है, सेरिब्रम में बुद्धि होती है, स्मृति याद करने की इच्छा शक्ति होती है, और ज्ञान होता है, और चिंतन आदि का जो कार्य करता है वो सेरिब्रम होता है। तो इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए। सेरिब्रम का जो कार्य होता है, इसमें बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, चिंतन आदि का कार्य करता है। आप समझेंगे थैलमस के बारे में। तो थैलमस का कार्य क्या होता है, तो इसमें जितने भी ये सब इम्पॉर्टेंट अच्छे से समझने का कोशिश ज़रूर कीजिए आप लोग। तो थैलमस का जो कार्य होता है, इसमें दर्द हो, ठंडा, गर्म आदि पहचानने का कार्य होता है। मतलब इसका जो कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है दर्द, ठंडा, गर्म आदि का कार्य होता है। अब हम लोग समझेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस का जो अंतःस्रावी
ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन का नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अब नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से इसकी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। तो देखिए हाइपोथैलेमस का जो कार्य होता है, इसमें जो होता है इसमें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण जो होता है, घृणा, गुस्सा, खुशी जो कार्य होता है, वो सब हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हाइपोथैलेमस का जो कार्य था भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, गुस्सा, खुशी आदि, तो इसको अच्छे से वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा स्पष्ट से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो एक बार दो बार वीडियो को जरूर देखिए आप। और अब हम लोग समझेंगे मध्य मस्तिष्क में, तो मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य देखेंगे। तो इसमें जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में मुख्य चीज़ जो होता है यह दृष्टि और श्रवण शक्ति का कार्य करता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का कार्य करता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और अब देखेंगे पश्च मस्तिष्क में, तो इसमें सेरिबेलम पढ़ेंगे। तो सेरिबेलम क्या होता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो सेरिबेलम का कार्य होता है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और आंतरिक कान के संतुलन भाग के संवेदनाएं ग्रहण करता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य जो होते हैं, इसका जो मुख्य कार्य है अच्छे से बस एक चीज समझ लीजिए, सेरिबेलम का जो कार्य होता है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और अब समझेंगे मेडुला ऑब्लॉगेटा के बारे में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो जितने जो इनका जो जितने भी ब्रेन का जो कार्य कर रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से सबको देख लीजिएगा कि इसका कौन सा कार्य है। तो मेडुला ऑब्लॉगेटा का जो कार्य, इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्तदाब, हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करता है। तो ये भी तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा मेडुला ऑब्लॉगेटा से। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्तदाब, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण करता है। और अब देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग था जो मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो स्पाइनल कार्ड का जो मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल एक वैज्ञानिक थे, इम्पॉर्टेंट है ये तो, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको, नमक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पता लगाया था। तो समझिए प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तो प्रतिवर्ती क्रिया होती काली, मान लीजिए आपके आँख में कोई कीड़ा आके टकराता है तो वहाँ पे जो कार्य करता है वो स्पाइनल कार्ड होता है, तो उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्पाइनल कार्ड का कार्य हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा, और अच्छे से समझे होंगे तो सबका आंसर आपको जरूर आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से दृष्टि की अनुभूति करने का केंद्र स्थित होता है। तो कम 5 सेकेंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो जो मस्तिष्क के भूख लगने और भोजन की दृष्टि की अनुभूति करने का जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो जो सेरिब्रम होता है वो मस्तिष्क से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो हमारा मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 1400 ग्राम हो तो होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कशेरुक रज्जु, जिसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, कशेरुक रज्जु में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो जो श्वसन का नियंत्रण होता है मस्तिष्क से, तो मेडुला अबला गेटा से होता है, तो मेडुला अबला गेटा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो इसमें से आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए आप लोग। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बुद्धि का जो केंद्र होता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईईजी जो, तो ईईजी का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, का प्रयोग किसकी गति विधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ईईजी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है फिर, कौन सी गतिविधि दर्ज करने के लिए, तो जो ईईजी का होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो ऑप्शन हमारा तो सी सही हो जाएगा। और एक ईसीजी होता है जो हृदय होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हृदय संबंधित होता है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं।